हेलो एवरीवन आई एम सोना तनवर यू एजुकेटर वेलकम बैक टू माय चैनल द हिंदू एनालिसिस क्लासेस सो हाउ आर यू ऑल कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू ऑल आर गुड ऑल राइट स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट आर्टिकल तो हमारा पहला आर्टिकल है गवर्नमेंट रिमूव्स रुपीज़ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सीलिंग ऑन कोविड नाइन्टीन टेस्ट तो गवर्नमेंट ने जो कोविड नाइन्टीन टेस्ट के ऊपर जो सीलिंग लगी थी जो कैप लगी थी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ की उसको रिमूव कर दिया है इंडिया में हम अभी तक कोविड नाइन्टीन टेस्ट को कोविड नाइन्टीन वायरस को डिटेक्ट करने के लिए आर टी पी सी आर टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो अगर इस कैप को रिमूव करने से होगा क्या जितनी भी प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं जो अपने अपने टेस्ट कंडक्ट कर रही हैं तो आईसीएमआर उनको रिव्यू करेगा और देखेगा कि ये टेस्ट चीपर कॉस्ट में मार्केट में लाने लायक हैं या नहीं या फिर जो गवर्नमेंट के ही टेस्ट हैं जो गवर्नमेंट के ही टेस्ट हैं उनको मॉडिफाइड किया जा सकता है और, या नहीं तो यहाँ पर आई आपके प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है तो देखते हैं व्हाट इज आई इसकी फॉर्म फुर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इट इज़ द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ़ बायो मेडिकल रिसर्च जितने भी स्टेट में जितने भी स्टेट में, में बॉडीज़ होती हैं मेडिकल की ये उन सब को रेगुलेट करता है कोऑर्डिनेट करता है कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल और रेगुलेशन के अंडर काम कर रही है या नहीं अगर वो काम कर रही हो, नहीं होती हैं तो ये उन पर एक्शंस लगाता है उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी इन द वर्ल्ड ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसका गठन नाइनटीन में हुआ था बट नाइनटीन में हम इसको आई नहीं बोलते थे इसका नाम आई था जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च फ़ंड एसोसिएशन इसका काम उस टाइम पे बस इतना ही था कि ये बाकी बॉडीज़ को बाकी मेडिकल बॉडीज़ को फंड एलोकेट कर सके लेकिन नाइनटीन नाइनटीन फोर्टी नाइन में इसका रीनेम हुआ और इसको आई इसका नाम पड़ गया और प्लस इसकी जो पावर्स हैं उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और आज के टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव हैं सो द नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नर मोडिफाइज लो ऑन फॉरेस्ट आप यहाँ पहले पैराग्राफ में देख सकते हैं महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैज मॉडिफाइड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट टू थाउजेंड सिक्स तो जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी उन्होंने बोला है कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट टू थाउजेंड सिक्स है इसको मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जी पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है सो वट इज़ दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट इसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ज्वेलर रिकोगोगेशन ऑफ़ फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोलते हैं द फॉरेस्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ज्वेलर रिकोगोगशन ऑफ़ फॉरेस्ट रट टू थाउजेंड सिक्स इज़ अ की पीस ऑफ फॉरेस्ट लेजिस्शन पासड इन इंडिया ऑन एटीन दिसम्बर टू थाउजेंड सिक्स एटीन दिसम्बर टू थाउजेंड सिक्स में ये एक्ट ये पास हुआ था जिसके बाद ये फॉरेस्ट राइट एक्ट बना इट हैज़ ऑल्सो बिन कॉल्ड इसको हम फॉरेस्ट राइट एक्ट ट्राइबल राइट एक्ट ट्राइबल बिल और ट्राइबल लैंड एक्ट भी बोलते हैं तो इन पाँचों में से अगर कोई भी आपको नाम आ जाता है तो कन्फ्यूज़ मत होना ये सारे एक ही एक्ट के नाम है द लो कंसर्नस द रफ़ फॉरेस्ट डवेलिंग कम्यूनिटीज़ टू लैंड एंड अदर रिसोर्स डिनाइड टू दैम ओवर डिगेट एज अ रिजल्ट ऑफ़ द कंटिनस ऑफ कॉलोनियन फॉरेस्ट लो इन इंडिया होता क्या था जब हमारा इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था तब ब्रिटिश फॉरेस्ट डवेलर्स को बोलते थे कि अगर आपको अपने ही एरिया में काम करना है या वहाँ से लकड़ियाँ लेनी है या अगर वहाँ पर आपको रहना है तो आपको हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे तो उस टाइम पर ब्रिटिश फॉरेस्ट डेलर्स को काफ़ी मोलेस्ट करते थे तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने इस एक्ट को बनाया जिसमें ट्राइबल के वेलफेयर के बारे में आ, सोचा जाता है और उनके रिसोर्स को कैसे हमें प्रिवेंट करना है और उनके लैंड को कैसे हमें प्रिवेंट करना है इस बारे में एक्शन लिया जाता है इस एक्ट के थ्रू सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़

क्लियरेंस देने के कि आप आगे काम कर सकते हैं इस प्ला, प्लांट में इसको डिनाई कर दिया गया है तो अभी के लिए ये एल जी पॉलीमर जो कंपनी है वो अभी काम नहीं कर सकती इसके ऊपर अभी भी चार्जेस लग रहे हैं आपने देखा था अभी सात मई को एक काफी बड़ा डिजास्टर हुआ था यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हेयर यू कैन सी अब ये आपके जीएस पेपर टू में और जी एस पेपर थ्री में इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस के पेपर में is, आप इसको एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि रिसेंटली एल जी पॉलीमर गैस लीक का डिजास्टर हुआ था द विशाखापट्टनम गैस लीक ऑल्सो नाउन एज विजाग गैस लीक और एल जी पॉलीमर गैस लीक वॉज एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट अकर्ड एट द एल जी पॉलीमर्स केमिकल प्लांट इन आर आर वेंकटपुरम विलेज नियर गोपलापट्टनम विशाखापट्टनमदेश अर्ली मॉर्निंग ट्वेंटी सात मई दो हजार बीस को ये विशाखापट्टनम में ये गैस लीक ट्रेजडी हुई थी और इस गैस का रेडियस थ्री किलोमीटर तक माना गया था डेथ thirteen death थी thi, और more than thousand people sick हुए थे इस गैस के लिए और जो गैस ही उसका नाम था स्टायरीन गैस now what is styrene gas it is highly inflammable liquid that is used in the manufacturing of polystyrene plastic, fiberglass rubber and latex आपने देखा होगा कि एक व्हाइट कलर की प्लास्टिक होती है जिसके अंदर आपको भंडारे में सब्जी मिलती है ये उसी ये उसी सर, ये उसी प्लास्टिक का बना होता है इससे वही प्लास्टिक बनती है जो कि थर्मोकोल जिसको हम बोलते हैं स्टाइलिन इज आल्सो फाउंड इन व्हीकल एग्जॉस्ट सिगरेट स्मोक एंड नेचुरल फूड्स लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल तो अगर आपको आ, एम एम सी क्यूज में प्रिलम्स में अगर आपको ऑप्शन आए कि ये सिर्फ केमिकल बेस्ड है तो ऐसा नहीं है ये नेचुरली भी मिलता है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है सिगरेट स्मोक और वहीकल एग्जॉस्ट में भी इसको पाया जाता है शॉर्ट टर्म एक्सपोज ऑफ द सब्सटेंस टू कैन रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इरीटेशन इन आइज इरीटेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कुड ड्रास्टिकली अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लीड्स टू डेथ अगर हम शॉर्ट टर्म इस गैस का एक्सपोजर करेंगे तो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ये इफेक्ट करेगा लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इसका कर लेपोजर कर लेते हैं तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा डैमेज भी हो सकता है और हमारी डेथ भी हो सकती है तो एक ट्रेजेडी जो काफ़ी साल पहले भी आई थी और अभी तक उसका इम्पेक्ट पड़ रहा है उसका नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी ये एक काफ़ी फेमस ट्रेजेडी है और वर्ल्ड वाइड इसको काफ़ी देखा गया था सो वट इज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं द भोपाल डिजास्टर ऑल्सो रेफर टू भोपाल गैस ट्रेजरी वॉज अ गैस लीक इंसिडेंट ऑन द नाइट ऑफ टू थ्री डिसंबर नाइनटीन एटी फोर एट द यूनियन कार्बिडे इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया तो ये भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया में जो एक कंपनी का, काम कर रही थी पेस्टिसाइड की यूनियन कार्बे इंडिया लिमिटेड उसमें गैस लीक हो गई थी सेकेंड दिसंबर नाइनटीन फोर्टी एट में तो जो ये जो कंपनी थी ये एक पेस्टिसाइड कंपनी थी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पेस्टिसाइड कंपनी थी और इसमें से जो गैस निकली थी उसका नाम था मिथाइल एजोसनाइड गैस एम और इससे पचास लाख से भी ज़्यादा लोग इन आ, सिख हो गए थे और इसका डेथ ऑलमोस्ट टू थाउजेंड टू हंड्रेड या ऑलमोस्ट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड था हेयर इज द नेक्स्ट न्यूज़ फाइव परसेंट ऑन श्रमिक श्रमिक ट्रेन डाई इन यूपी

एन एच आर सी ने यूपी गवर्नमेंट को ये नोटिफाई किया है कि आपके यहाँ पे जो ट्रेन आई थी उसमें पाँच लोग मारे गए हैं तो न्यूज़ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दिस एजेंसी एन एच आर सी वट इज़ दिस द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ स्टेचुटरी पब्लिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन ट्वेल्व अक्टूबर नाइनटीन ये एक स्टैचुट्री बॉडी है ये एक लॉ के तहत आ, इनेक्ट की गई है लो पास करके ये एक एक्ट बना था उसके बाद ये एक बॉडी बनी है इसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस ऑफ ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर नाइनटीन थ्री ये प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस एक्ट पास करके ये बॉडी बनी थी इट वाज़ गिवन अ स्टेचुट्री बेसिस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट नाइनटीन थ्री द एन एच आर सी इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर इंडियाबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रोमोशन ऑफ़ ह्यूमन राइट डिफाइंड बाई द एक्ट एज रिलेटेड टू लाइफ लिबर्टी इक्वेलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बोडेड इन द इंटरनेशनल कन्वीन एंड एनफोर्सिबल बाई दर्स इन इंडिया इसका काम क्या होता है जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं जितने भी हमारे ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको प्रिजर्व करना और उन सबको मैनेज करना इसका काम होता है कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो ये इसका काम होता है यहाँ पे आप इसके फंक्शंस देख सकते हैं तो पहला फंक्शन है प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी ह्यूमन राइट right का वायलेशन होता है तो ये पिक्चर में आ जाती है सेकेंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेश गोरमेंट को कैसे ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करे इस उसके मेजर्स भी प्रोवाइड करती है कि कैसे हम ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं टू स्टडी ट्रेडीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स जितने भी बाहर के और, जो भी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन हैं और जितनी भी हमारी हमारी कंट्री की जितनी भी ट्रीटीज़ हैं उन सबको रेगुलेट करने का उन सबको इम्प्लीमेंट करने का काम जो जो भी ट्रीटीज ह्यूमन राइट के ऊपर बनती हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करने का काम एन का होता है द थर्ड पॉइंट इज़ अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट के ऊपर ही रिसर्च करता है और टू विजिट जेल्स एंड स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स ये जेल में जाकर भी देखता है कि वहां पर कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा एंगेज इन ह्यूमन राइट एजुकेशन ये एक अवे ह्यूमन राइट अवेयरनेस भी क्रिएट करता है कि अलग अलग एन में जाकर और अलग अलग स्कीम्स लेकर आकर मीडिया में सेमिनार में एक अवेयरनेस भी क्रिएट करता है एनकरेज द एफर्ट ऑफ एनजीओ एंड इंस्टीट्यूशंस ये अगर कोई एन है कोई ह्यूमन राइट का ह्यूमन राइट वेलफेयर की कोई एन है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है तो ये उनको प्रमोट करने में भी हेल्प करता है टू रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जित अब ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये सेंट्रल लेवल पे काम करती है लेकिन अलग अलग स्टेट्स में हर स्टेट में एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी होता है जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर काम करता है तो ये उन सब स्टेट कमीशन को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को के ऊपर सर्विलेंस रखता है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पिक्चर में आ जाता है और उनको देखता है उनको बताता है कि कोऑर्डिनेट करता है कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं आपको सही करना चाहिए और अगर दो स्टेट का कोई डिस्प्यूट है ूमन राइट कमीशन को लेकर तो वो दोनों स्टेट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इस बारे में इंफॉर्म करेंगे और फिर उस केस पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन काम करेगा सो दिस इज ऑल फॉर टुडे आई होप यू एंजॉय माय लेक्चर इफ़ यू रियली एंजॉयिंग माय लेक्चर देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू वेरी मच हैव अइस डे